वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग स्टेप डाउन चॉपर के बारे में देखे थे और क्लास ए चॉपर भी देखे थे। अब एक और भी टाइप का चॉपर है जिसको कहा जाता है स्टेप अप चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर में जो आउटपुट वोल्टेज मिलता था, जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता था, उसकी वैल्यू Vs से कम होती थी, है ना। लेकिन जो स्टेप अप चॉपर है उसमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा आपको, उसकी वैल्यू हम Vs से लेकर के कोई भी हायर वैल्यू तक कर सकते हैं। देखिए, चॉपर के अलग अलग जो आप टाइप सुन रहे हैं, स्टेप डाउन, क्लास ए, स्टेप अप, फिर क्लास बी आएगा, सी डी ई एफ, इतने टाइप्स हैं, कुछ है नहीं। चॉपर तो वही है, थायरिस्टर है, सिंपल फास्ट ऑपरेटिंग स्विच, लेकिन बस उसके कनेक्शन को, कभी उसको सीरीज में लगा रहे हैं सोर्स के साथ, कभी पैरेलल में लगा रहे हैं, कभी कोई इंडक्टर लगा रहे हैं, कभी कैपेसिटर लगाएंगे, तो बस सर्किट में चॉपर के पोजीशन को और चॉपर के साथ जो कनेक्टेड जो चीजें हैं, सर्किट एलिमेंट्स हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर को, इनको चेंज करके अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टाइप के सर्किट हैं और उसको नाम दे दिया गया है चॉपर का। चॉपर तो वही है, थायरिस्टर, फास्ट ऑपरेटिंग स्विच, बस उसका कनेक्शन अलग अलग है और सर्किट एलिमेंट्स कुछ उसमें चेंज कर करके हम लोग इसको अलग अलग एप्लीकेशन में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यही है बेसिकली। अब इसमें जो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अभी तक जो चॉपर्स हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ, बस यही फिक्स हो गया कि इतना ही होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में और भी कुछ टाइप्स ऑफ चॉपर आए, क्योंकि कुछ और भी एप्लीकेशन, जैसे कुछ जरूरत पड़ेगी तो लोग सोचेंगे कैसे सर्किट में लगाएं, क्या चेंज करें ताकि इस एप्लीकेशन को फुलफिल करें। तो इसलिए चॉपर के पोजीशन को अलग अलग करके आप लोग भी कुछ नया सोच सकते हैं। खैर, स्टेप अप चॉपर आज देखते हैं इसको, स्टेप अप चॉपर, और ये देखेंगे कि आखिर कैसे लोड को आउटपुट वोल्टेज Vs से भी ज्यादा मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, है ना, ये देखेंगे। तो स्टेप अप चॉपर में सब, जो सबसे पहला पॉइंट है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू Vs से ज्यादा होती है, कैसे वी विल सी, बट आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन Vs, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टेप अप चॉपर, ठीक है। दूसरा, इस चॉपर का जो एप्लीकेशन है वो मेनली एप्लीकेशन इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में इसका एप्लीकेशन है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है कि जैसे देखिए, नॉर्मल ब्रेकिंग तो हम लोग जानते ही हैं, साइकिल भी चलाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, है ना, बाइक भी है, कुछ भी है, लेकिन रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा ब्रेकिंग मेथड जिसके मदद से हम कुछ जेनरेशन भी कर सकें। अब देखेंगे जब हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे टाइप बी चॉपर में, तो आप देखिएगा कि कैसे ब्रेकिंग प्रोसेस, ब्रेकिंग क्या होता है, स्पीड को कम करना, है ना, ब्रेकिंग प्रोसेस करके भी ब्रेकिंग भी हो रहा है और साथ साथ कुछ वोल्टेज का जनरेशन भी हो रहा है। ब्रेकिंग भी होगा और साथ में कुछ वोल्टेज जनरेट भी होगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में जिस चॉपर का या जिस सर्किट का हम लोग यूज करेंगे वो यही होगा, स्टेप अप चॉपर, ठीक है। एप्लीकेशन इन रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, ये याद रखिएगा आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टेप अप चॉप, एप्लीकेशन ऑफ स्टेप अप चॉपर इज इन रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, हाउ वी विल सी इन टाइप बी चॉपर, ओके। तो अब देखिए इसका सर्किट ये है, टाइप जो स्टेप अप चॉपर है इसका सर्किट ये है। ये आपका लोड है, आर एल ई लोड, मोटर डीसी मोटर इट इज, तो ये आर एल ई लोड है और यहां पे एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अगर आपको लोड को स्टेप अप चॉपर से सप्लाई देना है, यानी कि लोड का वोल्टेज अगर आपको सप्लाई से ज्यादा चाहिए एवरेज वैल्यू, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें करते कैसे हैं, ये लोड है, इसके साथ ये एक डायोड लगा हुआ है, पावर डायोड, प्रीवेलिंग पावर डायोड लगा हुआ है, यहां पे चॉपर है पैरेलल में, ना लोड के साथ कर सकते हैं पैरेलल में। इधर जो सोर्स है, तो स्टेप अप चॉपर बनाने के लिए आपको सोर्स के साथ सीरीज में एक इंडक्टर लगाना पड़ेगा, इंडक्टर लगाना पड़ेगा ऑफ लार्ज वैल्यू,
लार्ज वैल्यू मतलब इसका इंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए, मतलब जो आपका लोड का इंडक्टेंस है उसके कंपैरिजन में इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। लार्ज इंडक्टेंस मतलब ये ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने लायक होना चाहिए इसके कंपैरिजन में। तो ये लार्ज क्यों ऐसा देखेंगे हम लोग। तो देखिए जब स्टेप डाउन चॉपर बनाना था तो क्या किए थे, सिंपल इसको यहां लगाए थे, ये इंडक्टर नहीं था, इसको यहां सीरीज में लगाए थे और यहां पर एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाए थे, तो स्टेप डाउन चॉपर मिल गया था हमको, है कि नहीं। और अब जब हमको स्टेप अप चॉपर करना है तो कुछ नहीं, सिर्फ जो यहां था सीरीज में उसको पैरेलल में यहां किया गया और यहां पर एक सीरीज में एक लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टर को लगाया गया, बस इतना अरेंजमेंट कर, और यहां पर एक डायोड लगाया गया, बस इतना अरेंजमेंट कर देने से ये आपका स्टेप अप चॉपर बन जाता है। देखते हैं अब, देखिए अब इसके वर्किंग को हम लोग समझेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट ये हो गया, वर्किंग में समझना है। यहां पर हम एक वेव फॉर्म बनाए हैं जिसमें VS, IG, गेट करंट, IS, IS क्या है, IS यहां पर करंट सप्लाई करेंगे, IO आउटपुट करंट और VO आउटपुट वोल्टेज बनाएंगे, ठीक है। तो इस स्टेप अप चॉपर के भी वर्किंग को देखने के लिए हम लोग दो मोड में इसके वर्किंग को समझेंगे। एक है मोड वन, मोड वन है 0 से T on के बीच का, मतलब यहां पे 0 पे ही सपोज हम लोग इसको पल्स देते हैं, किसको, चॉपर को। और एक बार फिर से वही कहेंगे कि ये आप ऐसा ना समझिए कि ये बिल्कुल, ये जो 0 है टाइम, ये बिल्कुल स्टार्टिंग का टाइम है, ये बीच के किसी प्रोसेस का टाइम है, बीच के किसी प्रोसेस का टाइम है। तो t इक्वल टू मतलब जो पूरा प्रोसेस चल रहा है उसमें से बीच के किसी टाइम का हम लोग वेव फॉर्म बना रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 पर हमने चॉपर को गेट पल्स दिया, चॉपर को गेट पल्स देंगे, चॉपर ऑन होगा और जब तक इसको हम फोर्स कम्यूटेट नहीं करेंगे, जब तक इसको हम ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये ऑफ नहीं होगा, तब तक हमारा टी ऑन का पीरियड ही चलता रहेगा, ठीक है। तो अब देखना है कि आखिर इस मोड में 0 से T on के बीच में वर्किंग कैसे है। तो जैसे ही 0 से T on के बीच में आप चॉपर को ऑन करेंगे, उसी तरह से आप देखिए लोड को चॉपर ने एक तरह से शॉर्ट कर दिया, तो यहां से सोर्स से करंट जाएगा वो चॉपर से ही रिटर्न हो जाएगा, एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया, थोड़ा बहुत जा भी सकता है बट मोस्ट ऑफ द करंट विल गो थ्रू दिस पाथ। तो इस मोड में एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया ना, जो भी करंट यहां से जाएगा रिटर्न। तो देखिए इस मोड में जब तक आपका चॉपर ऑन है तब तक यहां पर शॉर्ट सर्किट है, तो वी आउटपुट कितना होगा, वी आउटपुट होगा जितना इसके पैरेलल में वोल्टेज होगा, और पैरेलल में वोल्टेज शॉर्ट सर्किट है मतलब 0 है, चॉपर के इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप को नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो इतने देर में मतलब अगर ये जो टाइम है यहां से यहां का, इसको हम टी ऑन कर रहे हैं, तो इतने देर के लिए जो आपका वी आउटपुट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे देखते हैं आईएस और आई नॉट को क्या होगा। अच्छा देखिए जरा, तो इस मोड में सर्किट कैसा हो, इधर वाला पार्ट तो है ही नहीं, इधर वाले पार्ट को देखें तो ये वीएस, ये एल और इससे करंट आईएसटी, करंट जो इस तरह से होगा। अगर इसमें हम लोग केवीएल लगाएं तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो उसको लिख रहे हैं एल डी एस टी बाई डी टी माइनस वी एस इक्वल टू 0, तो इसको इधर ले जाएंगे फिर लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो एल इंटू एस आई एस एस माइनस आई वन। हमने क्लास ए चॉपर में भी आई वन लिया था, मतलब ये है कि इंडक्टर, ये जो इंडक्टर है ना, ये अपने करंट को अब्रप्टली 0 नहीं होने देगा, मतलब करंट मतलब यहां पे जब हमने चॉपर ऑन किया उसके पहले भी कुछ करंट इंडक्टर से पास हो रहा होगा, तो उसको हमने मान लिया कितना, I1, इनिशियल कंडीशन है ना, कि इस स्टेप से पहले, और हम देखेंगे कि वो आपको अगले स्टेप में दिख जाएगा कि इस स्टेप से पहले इंडक्टर से L से कुछ करंट फ्लो हो रहा था और उसकी वैल्यू कितनी थी, I1। तो IS में
टियोन के स्टार्ट से पहले एक करंट फ्लो कर रहा था जिसकी वैल्यू कितनी है आई वन, और जब आप इसको फिर से वही कहेंगे नोट से आप इसका डेरिवेशन देख लीजिए, वैसे इसका तो बहुत सिंपल है, जब आप इसको अच्छे से इनवर्स लैपलास करेंगे तो आपको जो टाइम डोमेन में जो आई एस की वैल्यू आएगी वो आएगी आई वन प्लस बी एस बाई एल इंटू टी, आई वन प्लस बी एस बाई एल इंटू टी, ठीक है। जब आप इसको एल आई वन आ जाएगा इधर आ जाएगा, फिर आई एस एस इक्वल टू डिवाइड करेंगे फिर उसका आप करेंगे तो ये एस स्क्वायर आ जाएगा, तो उसका इनवर्स टी करके देख सकते हैं टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस मोड में जो करेंट का वेवफॉर्म होगा वो I1 से स्टार्ट होकर के लीनियरली आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी I1, है ना। और IST है क्या? I1 plus VS by L into t, मतलब I1 था और उसके बाद लीनियरली बढ़ता गया, तो इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं, ये लीनियरली बढ़ता गया और जब तक t ऑन रहा तब तक, मैंने आपको उस क्लास ए में बोला था हो सकता है अगर इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो गई है ना तो कांस्टेंट भी हो जाए, है ना, लेकिन हम मान रहे हैं कि ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अच्छा, जब ये करंट इंक्रीज हो रहा है तो हमको पता है कि इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी, तो करंट जब इंक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी आई टू माइनस आई वन, और उसका पॉलरिटी कुछ इस तरह से होगा यहां प्लस यहां माइनस, ठीक है। जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी I2 माइनस I1, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और दूसरी बात कि उस कंडीशन में पॉलरिटी क्या होगी, यह होगी प्लस माइनस, ठीक है। करंट बढ़ा और बढ़ के मान लीजिए टी ऑन के लास्ट में ये I2 पे था, ठीक, और इतने टाइम में क्या इधर से कोई करंट फ्लो कर रहा है? इधर से तो कोई करंट ही नहीं है, है क्या? नहीं है कोई करंट, तो इतने टाइम के लिए I नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अब आते हैं मोड टू पर। मोड टू मतलब मोड वन में क्या हुआ? मोड वन में एक तरह से ये इंडक्टर चार्ज हुआ, है ना, एक तरह से हमने करंट सप्लाई करके इस इंडक्टर को एक तरह से हमने चार्ज किया, इससे करंट बढ़ता गया I2 पे, ठीक है। अब देखते हैं मोड 2 जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि T ऑन से T ऑफ जो कि ये टाइम होगा इसको हम मान लें T ऑफ, T ऑन से T ऑफ के बीच में क्या सर्किट बनेगा और किस तरह से चीजें होंगी। देखिए मोड 2 में T on और T off के बीच में, मतलब कि मोड 2 में हमने यहाँ पे चॉपर को फोर्स कम्यूटेट कर दिया, ठीक है, चॉपर को ऑफ कर दिया। अब ये जो इंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा, ये इंडक्टर पहले इस डायरेक्शन में चार्ज हुआ था, अब जैसे ही हम इस चॉपर को ऑफ करेंगे इस सोर्स के सामने एक बड़ा लोड है। जब चॉपर ऑन था तो करंट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जैसे हम चॉपर को ऑफ करेंगे अब जो सोर्स है उसके सामने एक लोड है इतना बड़ा, तो करंट जो बढ़ी थी अब वो उस वैल्यू से अब डिक्रीज होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि पहले ये करंट इंक्रीज हो रहा था, इंडक्टर चार्ज हो रहा था तो करंट इंक्रीज हो रहा था जो ट्रांजिएंट स्टेट था, लेकिन जब चॉपर को हमने ऑफ कर दिया तो अब तो लोड को ये इंडक्टर ही नहीं है इसके लिए लोड, अब इस सोर्स के लिए इंडक्टर के अलावा ये पूरा का पूरा जो लोड आपको दिख रहा है ये भी, तो अब करंट घटने लगेगी, है ना, जो भी हाई वैल्यू तक गई थी उससे घटने लगेगी क्योंकि लोड के बढ़ने के कारण करंट की वैल्यू घटेगी। अब जब करंट की वैल्यू घटेगी तो जब करंट इंक्रीज हो रहा था तब आप देखिए इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, वोल्टेज हर समय इंड्यूस होगा जब भी करंट चेंज करेगा। जब करंट इंक्रीज हो रहा था तो उस समय भी वोल्टेज इंड्यूस था, उसकी पोलरिटी ये थी, लेकिन जैसे चॉपर को ऑफ करेंगे सोर्स के सामने बड़ा लोड है तो करंट डिक्रीज होना शुरू होगा,
और जैसे करंट डिक्रीज होना शुरू होगा तो इसकी पोलैरिटी पलट जाएगी इंडक्टर की, क्योंकि आप समझ रहे हैं करंट डिक्रीज होगा तो ये वैल्यू निगेटिव होगा। तो निगेटिव का मतलब ये नहीं कि वोल्टेज निगेटिव कुछ हो रहा है, निगेटिव का मतलब कि पोलैरिटी चेंज है, यानी कि जो ये इस तरह से था अब इस तरह से पोलैरिटी ना होकर अब इसकी पोलैरिटी ऐसी हो जाएगी जो मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया है कि इस केस में जो इंडक्टर मिलेगा आपको उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, क्योंकि करंट डिक्रीज होगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज तो इंड्यूस होगा, लेकिन किस पोलैरिटी के साथ? इस पोलैरिटी के साथ, माइनस प्लस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि करंट अब डिक्रीज हो रहा है। करंट क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि लोड को सप्लाई देना है। तो करंट बढ़ गया था, अब लोड एकाएक बढ़ गया तो करंट डिक्रीज हो गया। तो अब इस कंडीशन में अगर हम केवीएल लगाएं तो आप देख सकते हैं माइनस वीएल प्लस वी नॉट माइनस वीएस इक्वल टू जीरो, मतलब वी आउटपुट इक्वल टू वीएस प्लस वीएल। वी आउटपुट किसके बराबर है? वीएस और वीएल दोनों का सम के बराबर है। तो वी आउटपुट की वैल्यू इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई, है ना, क्योंकि अब ये इन दोनों का सम है वी आउटपुट, ठीक है। और इंडक्टर ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी अब उसको भी रास्ता मिल गया, वो भी अपनी एनर्जी को डिलीवर करेगा, ठीक है, जब तक करंट डिक्रीज होकर के कांस्टेंट तक ना पहुंचे तब तक। हालांकि हम लोग उतना टाइम इसमें देंगे नहीं। तो करंट की जो वैल्यू है वो इस टाइम टी ऑफ में I2 से डिक्रीज होकर के, वही चीज I2 से डिक्रीज होकर के ये I1 तक आएगा। I2 से डिक्रीज होकर के ये करंट I1 तक आएगा। अब देखिए, अब I आउटपुट की बात करते हैं। T ऑन के पीरियड में तो I आउटपुट जीरो था, लेकिन जैसे ही चॉपर ऑफ होगा वैसे ही जो करंट IS होगा वही I नॉट होगा, है ना, जो IS वही I नॉट। अब एक सवाल स्टूडेंट करते हैं कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंडक्टर से करंट एकाएक चेंज नहीं होगा, यहां पर भी तो इंडक्टर है, तो इस मतलब मेरा ये कहना है कि इस इंस्टेंट से पहले इससे कितना करंट फ्लो रहा था? जीरो। और जैसे ही हम चॉपर को ऑफ करेंगे वैसे ही जो IS करंट है I2 वो आ जाएगा, IS इक्वल टू I0 हो जाएगा ना, तो जो यहां IS है वही I0 हो जाएगा, I2 करंट। तो यहां भी तो इंडक्टर है, तो यहां पे करंट एकाएक कैसे चेंज हो रहा है? पहले करंट जीरो था, अब हम कहेंगे कि इस टाइम पे जो करंट है वो एकाएक हो गया I2, I2 क्यों? क्योंकि इस टाइम पर IS कितना है? I2 है, तो इसीलिए तो यहां पे लार्ज वैल्यू लगा हुआ है, सेव को सवा सेव मिल गया है, ठीक है नहीं। अब ये जो है जबरदस्ती इसको इधर से फोर्स कराएगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये अपने करंट दोनों ही करंट को अपोज करता है, बट इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये अपने करंट को अपोज नहीं होने देगा, मतलब तुरंत ज्यादा चेंज नहीं होने देगा करंट को, और ये अपना धीरे धीरे चेंज होगा। ये भाई साहब को जबरदस्ती अपने आप के करंट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है नहीं, होता है ना। तो जो आउटपुट करंट है जैसे ही चॉपर को हम ऑफ करेंगे वैसे ही आउटपुट करंट एक बैक बढ़ के होगा I2, और फिर जैसे जैसे IS चलेगा वैसे वैसे ये भी चलेगा। अगर ये I1 है तो I1 और फिर बंद, क्योंकि इसके बाद फिर T ऑफ हो गया, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिर गेट पल्स देंगे, फिर वही चीज, फिर ये चॉपर क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज हो जाएगा इंडक्टर से करंट, अब जैसे ही लोड घटा करंट फिर बढ़ना शुरू, करंट फिर बढ़ना शुरू मतलब इंडक्टर फिर से चार्ज होना शुरू करेगा, बिल्कुल यही चीज चलती रहेगी। इंडक्टर फिर से चार्ज होना शुरू करेगा, आउटपुट करंट फिर जीरो, ठीक है। अब एक बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं किए कि टी ऑफ में आउटपुट वोल्टेज, तो टी ऑफ में आउटपुट वोल्टेज कितना है? वीएस प्लस वीएल। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं। स्टूडेंट ये पूछते हैं सर क्या ये वीएस प्लस वीएल कॉन्स्टेंट होगा? बिल्कुल कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि वीएस तो कॉन्स्टेंट है ही, और ये जो लीनियर डिक्रीज हो रहा है करंट में, जो लीनियर करंट का डिक्रीज है, तो अगर लीनियर डिक्रीज है मतलब ये जो चेंज है ये चेंज कांस्टेंट है, लीनियर डिक्रीज, है ना,
लीनियर जो होता है, जो भी स्लोप, जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो लीनियर डिक्रीज है, स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए ये भी कांस्टेंट है, इसीलिए ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ये होगा कितना, बी एस प्लस बी। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस मेथड की मदद से आउटपुट वोल्टेज वी एस से भी ज्यादा मिल सकता है। और ये तो आपके ऊपर है, आप कितने देर इस चॉपर को ऑन रखते हैं, कितने देर ऑफ रखते हैं। अगर हम इसको ये अल्फा जो टाइमिंग है वो तो हमारे ऊपर है ना, तो कुल मिलाकर के जो एवरेज वैल्यू है वो वी एस से ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है, एवरेज वैल्यू इस तरह से वी एस से ज्यादा मिल जाएगी। तो ये है इसका कंप्लीट वर्किंग, जो आपका स्टेप अप चॉपर है उसका। इसमें एक और चीज है, जो फॉर्मूला हमने स्टेप डाउन के लिए डिराइव किया था वो फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं है। ठीक है ना, तो उसका क्या फॉर्मूला है वो देख करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। इसमें आपको एक चीज और भी देखना चाहिए कि जिस समय चॉपर ऑन है उस समय लोड का वोल्टेज और लोड का करंट जीरो है। मतलब मेरा ये कहना है कि मशीन तो कंटिन्यू रन करेगा क्योंकि इनर्शिया से करंट जीरो है, फिर भी थोड़ी देर का टाइम होगा, माइक्रो सेकंड्स वगैरह में रहता है, तो इनर्शिया से वो चलता तो रहेगा। लेकिन होता ये है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि जब एक नहीं, जनरली स्टूडेंट से दिमाग में बना लेते हैं कि जब चॉपर ऑन होगा तो लोड को भी वोल्टेज मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है किस टाइप का चॉपर है। जैसे स्टेप अप में चॉपर जब ऑन है, टी ऑन में लोड को ना वोल्टेज है ना करंट है, लोड को वोल्टेज करंट कब है, टी ऑफ में। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा देता है कि लेट अस कंसीडर ए स्टेप अप चॉपर, आपको कि स्टेप अप चॉपर दे दिया और उसके बाद उसमें बोल देगा टी ऑन में इतना टाइम है, टी ऑफ में इतना टाइम है, और फिर वी आउटपुट निकालिए, ये सब निकालिए। तो वहां पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना चाहिए, है ना, इकोनॉमिकल करेंगे इस पर तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक जो हमको फॉर्मूला निकालना है उसका एक तरीका ये है, हम जानते हैं कि इस टाइम में इंडक्टर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है टी ऑन के समय, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाई इंडक्टर ड्यूरिंग टी ऑन, तो उसका फॉर्मूला डब्ल्यू टी ऑन लिखे। एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, और पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करेंट। तो इस दौरान कितना एनर्जी इसने स्टोर किया, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, टी ऑन में, टी ऑन के दौरान इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इंटू एवरेज करेंट थ्रो है, इस दौरान उससे करेंट क्या है। तो करेंट तो एक्चुअली वैरी कर रहा है, लेकिन इसका एवरेज ले लेते हैं, है ना। तो एवरेज कैसे लेते हैं, लोअर वैल्यू प्लस हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 ले सकते हैं, है ना, होता है ना। तो इसका एवरेज वैल्यू ले लेंगे जो भी है आएगा, इनटू टी ऑन। तो ये दोनों मिला के हो गया पावर, इनटू टाइम हो गया क्या, एनर्जी। तो इस दौरान जब सॉर्टेड, आप देखेंगे पिछले फिगर में तो आपको दिखेगा कि इस दौरान जो वोल्टेज है इंडक्टर इंडक्टर के क्रॉस, वो वीएस के बराबर है, वीएस के बराबर है, तो वीएस के बराबर है, इस हमेशा वीएस के बराबर है। तो यहां पर लिख दिया वीएस इनटू आई1 प्लस आई2 बाय 2 इनटू टी ऑन, ये हो गया एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर। और इंडक्टर जितनी एनर्जी लेता है फिर उतनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, ये होता है। और मतलब आपको ये लग रहा होगा सर जितना इक्वल इक्वल टाइम रहे तब ना, इक्वल टाइम नहीं भी रहे तो भी इंडक्टर अपने एनर्जी को बहुत फास्टली चेंज करता है, बहुत फास्टली डिलीवर करता है टाइम कांस्टेंट के हिसाब से। तो टाइम कांस्टेंट आपको पता ही है, एल बाय आर, जो भी टाइम काफी कम होता है। तो इंडक्टर जनरली जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया इट डिलीवर्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया उतना उसने डिलीवर भी कर दिया। तो डिलीवर कितना किया होगा, सेम फॉर्मूला तो वही है। तो डिलीवरिंग मतलब टी ऑफ के समय उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि टी ऑफ के समय वोल्टेज होता है वी आउटपुट इक्वल टू वी एस प्लस वी एल। तो वी एल कितना होगा, वी आउटपुट माइनस वी एस, तो उसको हमने लिखा है वी आउटपुट माइनस वी एस। एवरेज करेंट तो इस समय भी आई वन प्लस आई टू बाई टू कर सकते हैं इनटू टी ऑफ। अब चूंकि डब्ल्यू टी ऑन इक्वल टू डब्ल्यू टी ऑफ, जितना एनर्जी ये अब्सॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी को ये डिलीवर भी करेगा।
तो डब्ल्यू टी ऑन इक्वल टू डब्ल्यू टी ऑफ, तो डब्ल्यू टी ऑन कितना है वी एस आई वन प्लस आई टू बाई टू इंटू टी ऑन इक्वल टू, अब ये इधर आते हैं तो इधर है वी आउटपुट माइनस वी एस इंटू आई वन प्लस आई टू बाई टू इंटू टी ऑफ, तो ये तो कट गया। नेक्स्ट, अब देखिए आपको जो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए, वही जैसे हम लोग स्टेप डाउन में देखे थे कि वी आउटपुट इक्वल टू अल्फा वी एस आया था, सिमिलरली यहां देखते हैं तो यहां पे वी एस इंटू टी ऑन इक्वल टू वी आउटपुट माइनस वी एस इंटू टी ऑफ, वी एस का दो टर्म है इधर ले लेते हैं तो वी एस इंटू ये माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा टी ऑन प्लस टी ऑफ इक्वल टू वी आउटपुट इंटू टी ऑफ। अब टी ऑन प्लस टी ऑफ होता है टी, कैपिटल टी, तो वी एस कितना हो जाएगा, वी एस हो जाएगा वी आउटपुट, या अगर हम वी आउटपुट के ही टर्म्स में निकालें तो वी आउटपुट हो जाएगा वी एस इंटू टी बाय टी ऑफ, इधर आ जाएगा। अब एक और चीज करते हैं इसमें, वी एस इंटू टी, टी ऑफ को लिख सकते हैं टी माइनस टी ऑन, लिख सकते हैं ना, देयरफॉर वी आउटपुट इक्वल टू वी एस इंटू टी, यहां से अगर टी कॉमन ले रहे नीचे से तो जगह वन माइनस टी ऑन बाई टी, क्योंकि हमको अल्फा लाना है, क्योंकि अल्फा के टर्म्स में ही सारा क्वेश्चन देगा, तो यहां से क्या मिल गया इक्वल टू वी एस अपॉन वन माइनस अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टेप अप चॉपर, वी आउटपुट इक्वल टू वी एस अपॉन वन माइनस अल्फा, ठीक है, वी एस अपॉन वन माइनस अल्फा, ये है फॉर्मूला। और स्टेप अप चॉपर का जब नाम आएगा तो आपको इस फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चंस को बनाना है। अब देखिए एक चीज देखिए जरा, अगर हमें कर्व बनाए वी आउटपुट और अल्फा के बीच में, अल्फा, अब देखिए ये कर्व है, अब अल्फा इक्वल टू अगर जीरो होगा, मतलब जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू टी ऑन बाई टी, अब इस कर्व को बनाना है वी आउटपुट और अल्फा के बीच का, अल्फा अगर जीरो है, अल्फा जीरो का मतलब है कि चॉपर को हम कभी ऑन कर ही नहीं रहे, टी ऑन इक्वल टू जीरो, सब मतलब नॉर्मल कंडीशन है, चॉपर इज नॉट ऑन, है ना, तो उस केस में क्या होगा, वी आउटपुट इधर है, सॉरी वी एस इधर है और वी आउटपुट इधर है, इंडक्टर है लेकिन इंडक्टर से करंट का कोई चेंज नहीं, कांस्टेंट, शुरू में कुछ बढ़ेगा, शुरू में कुछ बढ़ेगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि करंट में कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो इंडक्टर में भी कुछ देर तक कुछ वोल्टेज होगा, जब तक करंट इंक्रीज करे तब तक कुछ वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसके बाद जीरो हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज विल ऑलवेज बी इक्वल टू सोर्स वोल्टेज, और वो यहां से दिख भी रहा है आपको, अल्फा जीरो पुट करेंगे वी आउटपुट इक्वल टू वी एस, है ना, तो अल्फा अगर जीरो पुट करें तो अल्फा जीरो पर आउटपुट वोल्टेज जो है वो वी एस के बराबर होगा, ठीक है। अल्फा अगर 0.25 है, 0.25 का मतलब 1/4, इसका मतलब कि टी ऑन इक्वल टू टी बाई फोर, टोटल टाइम पीरियड का अगर एक चौथाई टाइम 1/4 टाइम अगर चॉपर ऑन रहता है तो टी ऑन इक्वल टू टोटल का 1/4 टाइम अगर चॉपर ऑन रहता है, तो 1/4 अगर ऑन रहता है तो यहां पर अगर आप 0.25 पुट कीजिएगा तो 0.75 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपको लगभग 1.33 वीएस, है ना, तो उस, तो अगर आप अल्फा इक्वल टू 0.25 रखते हैं तो जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा 1.33 वीएस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर 0.5 पे यानी आधा टाइम टी ऑन आधा टाइम टी ऑफ, इस तरह से इक्वल टाइम से अगर करें
तो 0.5 यहां पे रखेंगे, 1 माइनस 0.5 0.5 तो 2, यानी कि ये अगर आपका 2 Vs है यहां पे, ये अगर हम 0.5 रखेंगे तो V आउटपुट कितना के बराबर होगा, 2 Vs के बराबर। और अगर हम अल्फा की वैल्यू 0.75 रखें तो उस कंडीशन में आप 0.75 रखेंगे तो 1 माइनस 0.75 मतलब 0.25 मतलब 4 Vs, तो उस कंडीशन में आपको वोल्टेज 4 Vs मिलेगी। तो यहां से आप ये देख रहे हैं कि अल्फा को वैरी करके आप आउटपुट वोल्टेज को नॉन लिनियरली एग्जैक्ट ग्राफ पे बनाएंगे तो कुछ पैराबोलिक टाइप का है वैरी कर सकते हैं। अल्फा को वैरी करके आप आउटपुट वोल्टेज को Vs से लेकर के और भी हायर वैल्यूज तक बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हम टी ऑन का टाइमिंग बढ़ाएंगे 0.5, 0.5, 0.25, 0.5, जैसे टी ऑन का टाइमिंग बढ़ाएंगे वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज बढ़ता जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि उतना ज्यादा टाइम मिलेगा इंडक्टर को चार्ज, मतलब ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी तो डिलीवर भी ज्यादा करेगा तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिलेगा आपको। खैर, तो ये एक कर्व है इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीज हमने देखा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप अप के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हो गया, एक न्यूमेरिकल इस पे हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है कि Vs इक्वल टू 220 वोल्ट है, V आउटपुट इक्वल टू 660 वोल्ट है, और T ऑन दे दिया 100 माइक्रोसेकंड और T ऑफ पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे बनेगा, क्योंकि स्टेप अप चॉपर है तो इसलिए हम लोग को पता है कि V आउटपुट इक्वल टू Vs अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। V आउटपुट है 660 इक्वल टू 220 बाय 1 माइनस अल्फा, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1/3, तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, अल्फा निकल गया। और अल्फा इक्वल टू क्या होता है, T ऑन बाय T, और आपको T ऑन पता है 100 माइक्रोसेकंड, तो है ना, तो T कितना हो जाएगा 100 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 150 माइक्रोसेकंड टोटल टाइम पीरियड। तो T ऑफ क्या होगा, टोटल 150 माइक्रोसेकंड में से 100 माइक्रोसेकंड T ऑन है, तो T ऑफ कितना होगा 50 माइक्रोसेकंड। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंपल सिंपल, तो ध्यान रखिएगा ये आउटपुट का क्वेश्चन स्टेप अप के लिए है। ठीक है, तो आइए इसको कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लास बी चॉपर, और वो है स्टेप अप चॉपर का ही एक एप्लीकेशन, तो उसको हम लोग देखेंगे।